My first question to you, Tejashwi, is this. Whom am I talking to? The cricketer, the politician, or the son of Lalu Prasad Yadav? Leader of opposition of Bihar Legislative Assembly, and I have been elected as a youngest member of Legislative Assembly of Bihar. Or Modi ji ko main sirf akela challenge nahi kar raha. Modi ji ne jin jin yuvaon ko dhokha dene ka kaam kiya, wo sare yuva Modi ji ko challenge karna cha rahe hain aur apna jo rozgar hai. Ab to Modi ji kehte hain ki pakoda becho. हम तो कहते हैं कि पकौड़ा भी बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन 15 लाख में से कुछ तो आप बोनी करा दो, 1-2 लाख का, ताकि ठेला लगा लें. और लेकिन सवाल खड़ा होता कि हर साल 2 करोड़ लोगों को मोदी जी बोलेंगे पकौड़ा बेचने को, तो पकौड़ा खाएगा कौन? हर घर में पकौड़ा बेचने वाले मिलेंगे. तो हमारा सवाल है कि जो मोदी जी ने जो प्रॉमिस किया था उसको वो फुलफिल करें. और जब पॉलिटिक्स में अगर पॉलिटिक्स अगर युवाओं का भविष्य को डिसाइड करती है, तो युवाओं को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, आना चाहिए पॉलिटिक्स में, ताकि पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में युवाओं की जो भूमिका होनी चाहिए वो उस तादाद में नहीं है. लेकिन अभी आप देखिएगा काफ़ी यंगस्टर जो हैं, यूथ्स जो हैं, वो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं और काफ़ी मजबूती के साथ. और देश भर में जितने युवा नेता जो निकल कर के आ रहे हैं सारे मोदी जी के खिलाफ हैं. ये भी आप अगर आंकड़ा देखिएगा सारे उधर पकौड़ा है. पकौड़े का आपने जिक्र किया, पकौड़े पर तालियां भी बजी, लेकिन आप जहां खड़े हैं उधर शिकंजी है. देखिए उनका कहने का मतलब कि कोई शिकंजी बनाने वाला भी गरीब व्यक्ति भी कम से कम कोका कोला की कंपनी लगाने का काम करे. और मोदी जी ने तो ऐसा सपना नौजवानों को दिखाने का काम किया था कि नौजवानों को हकीकत में लगने लगा था. एंटरप्रेनर बनाने की बात थी, क्या हुआ आप बताओ? जिनको रोजगार था वो भी छीन लिया गया. डीमोनेटाइजेशन हुआ, लेकिन डीमोनेटाइजेशन के जो फायदे जब हम पूछ रहे मोदी जी से कि आतंकवादी घटनाएं कम हुई कि नहीं हुई, पत्थरबाजी कश्मीर में कम हुआ कि नहीं हुआ, भ्रष्टाचार कम हुआ कि नहीं हुआ, खत्म हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन हमारे चौकीदार जो हैं नीरव मोदी भाग जाते हैं, विजय माल्या भाग जाते हैं. अब तो जो मामला जो सामने आया है, विजय माल्या ने आरोप लगा दिया है कि उनकी मुलाकात अरुण जेटली जी से हुई है. इसमें प्रधानमंत्री क्यों खामोश है? जय शाह के बेटे, अमित शाह के बेटे जो जय शाह हैं, उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन उनकी जांच नहीं हो सकती क्योंकि वो अमित शाह के बेटे हैं. जांच होगी तो ऑपोजिशन लीडर्स की जांच होगी. लेकिन आप देखिए जो चौकीदारी का जो वादा उन्होंने किया था कि देश के खजाने की चौकीदारी करेंगे, आज देश का पैसा बाहर जा रहा है, जो बैंक्स हैं वो कंगाल हो गए हैं. आज क्या स्थिति बनी हुई है? जितने भी प्रॉमिसेस, जितने भी उनका एजेंडा में, मैनिफेस्टो में जितनी भी चीज़ें थी, एक चीज़ आप बता दो कि उन्होंने क्या काम करने का काम किया? एक ही काम किया कि नामकरण करते जा रहे हैं, शहरों का नाम बदल दे रहे हैं, रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने का काम कर रहे हैं. और दूसरा ये किया है कि डाटा सस्ता कर दिया, आटा महंगा कर दिया. अब गरीब आदमी आटा खाएगा कि डाटा लेगा? आप ये बताइए. महंगाई, पेट्रोल डीजल, इतनी कीमतें बढ़ गई हैं, लगभग अब नरेंद्र मोदी जी सेंचुरी मारने के करीब आ गए हैं, हो सकता मार भी दें, लेकिन इसको नुकसान किसको हो रहा है? आम जनता को हो रही है.